के बच्चे अपने राइट्स के लिए भी लड़ने के लिए पूछना पड़ता है कोई भी चीज। टेबल बैठक के थ्रू ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा, नहीं तो ये सोल्यूशन नहीं आने वाला है। ऊपर लेवल में सीएस तक लेके जाएंगे, लेके जाके बात करेंगे। पार्टी का इशू नहीं है ये जो बच्चों का जेन्युइन डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग काम करेंगे। आपका समस्या को जहां तक रेज करना है जितना जल्दी हो सके। एक बच्चा को भी तकलीफ है तो हम लोग साथ में, हम लोग कितनी जल्दी इसकी कोशिश करेंगे, हम कल से ही स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज एंड डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर आज डिब्रेक के बच्चे कॉलेज गेट के सामने धरने पर बैठे, इस उम्मीद के साथ कि कोई तो उनकी सुन ले। मगर देर दोपहर तक तो कुछ ना हुआ और बच्चे सिर्फ बैठे ही रहे और नारा लगाते रहे कि प्रिंसिपल उत्पल शर्मा जी को हटाओ, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। तभी अचानक बीजेपी पार्टी और म्यूनसिपल से लोग वहां बच्चे की खैर खबर लेने पहुंचे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपने कुछ दिनों में देखा है डिब्रेट में जो बच्चे हैं उनके मसले को लेकर हम लगातार अपडेट्स आप लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या नए अपडेट्स मिल रहे हैं। बच्चे कई दिन से परेशान हैं, हफ्तों से परेशान हैं, महीनों, मैं तो कहूँगा कि सालों से, क्योंकि कई सालों इस कॉलेज में एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, इनके फैसिलिटीज़ ने, इनको एफिलिएशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मुद्दे को लेकर आखिर बच्चे तंग आकर इन्होंने स्ट्राइक, धरना देने का निर्णय लिया और जो वो अब कर भी रहे हैं। इसी में अब अगला मोड ये है कि आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी यहाँ पे थोड़ा दिलचस्पी दिखाई है और वो आए हैं बच्चों से मिलने के लिए। चलिए हम सीधे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है और जो भी कार्यकर्ता है उनका क्या कहना है। आज के बच्चे अपने राइट्स के लिए भी लड़ने के लिए पूछना पड़ता है कोई भी चीज़ को। यहाँ के बच्चे वही बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, जिनका कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जो बाहर नहीं पढ़ सकते और यहाँ एक ही ऑप्शन है पढ़ने का, इंजीनियरिंग करने का, वही आते हैं। तो उनका समझ में 2 साल से आ गया है, लेकिन 2 साल से चुप बैठे कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे फेवर में ही काम करता है, तो हमारे फेवर में ही आएगा, तो आज तक का क्यों सोल्यूशन नहीं आया? रिजल्ट कैसे क्रिएट करेगा? ये साल में पास किया कि अरियस में डालेगा इसको, जो पेपर बच्चे इसको अरियस में कैसे डाले? अगर अरियस में डालेगा तो हम लोग प्लेसमेंट में तकलीफ होगा कि बच्चा इतना अरियस तक क्लियर किया, तो ये सब का समाधान कौन देगा? कोर्ट तो चलते रहेगा, कोर्ट अभी एक कैन का डिसीजन लिया, 4 कैन बचा है, 4 कैन डिस्पोज करते करते तो और 2 साल खत्म हो जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे? लैटरल एंट्री को इफ बोला, इफ दे आर परमिटेड, मतलब अगर कोर्ट भी बोलता है कि अगर दे कुछ लोगों को परमिट किया जाता है, तो एप्लीकेशन ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो परमिट कैसे करेंगे? 2-3 दिन का टाइम दीजिए हम लोगों को, हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं, अब अपना वो पॉइंट्स जो है डिटेल दीजिए हमारे वो। ओके, हम व्हाट्सएप को दिया, मेरा फोन स्विच ऑफ। पार्टी के अध्यक्ष से भी बात करेंगे और विशाल जी भी शायद कल आ रहे, आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं, अभी बात हुआ तो एयरपोर्ट में ही है वो, तो इस पर हम लोग चर्चा करके ना, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं आप में से एक दो लोगों को जो है, एक बॉयज एक गर्ल्स को साथ में ब्रीफिंग के लिए ना, मैंने जब सेक्रेटरी एजुकेशन के सामने ऑडिट का बात किया, ठीक है वो सब छोटे क्रिमिनल तो पर्सनल में जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस जो भी हो, क्रिमिनल केसेस तुम लोग आप लोग साइड में रखिए, ये ऑडिट रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट रिपोर्ट जो मेरे को मिला है, ये क्या फेक हो सकता है? तो ऑडिट रिपोर्ट में बात ही नहीं करना चाहती, 5 मिनट में मीटिंग खत्म। प्रिंसिपल का भी मेंशन किया, 15 नंबर पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया कि आज तक का कोई प्रिंसिपल रिक्रूट हुआ ही नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं है, और असिस्टेंट, और दूसरे पॉइंट में लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर को रिक्रूट करना जरूरी है, इनका भी कोई रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं निकलता है, ये जो भी लेता है एडॉक को बैठा के रखा है, आज भी एडॉक बैठे हैं। आप अपने तरफ से चेयरपर्सन को एक लेटर स्टूडेंट्स का सिग्नेचर के साथ में, पॉइंट्स के साथ में दे दीजिए, आज दे दीजिए या कल दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर उसके पीछे लग जाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे एलेंट्स के यूथ है और स्टूडेंट्स है, अगर कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक बच्चा को भी तकलीफ है तो हम लोग साथ में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से जितना भी आप लोग को जो प्रॉपर तरीका से एग्ज़ाम होना जो भी है पेंडिंग है, ये सभी विषय को लेके जितना भी एप्लीकेशन जो पांडिचेरी से होने से आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये सारा विषय को लेके हम लोग अपने जो हमारा ऊपर सीनियर जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय बेराई जी, विशाल जोली जी और हमारे पूर्व MP विष्णु बदराई जी भी आ रहे हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पूरा फोर्स के साथ रखेंगे, ये कैसा भी आप लोग को फेवर में जो होना है वो होना है, वो होने के लिए हम लोग अपना पूरा क्या करना है डिस्कस करके पूरा करेंगे।
कभी भी हम लोग युवाओं के लिए कुछ नुकसान होने के लिए नहीं देंगे, कभी भी साथ में रहेंगे। आज मेरे को बोल के मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मेरे को डर लगता है कि जो आदमी दो दो क्रिमिनल केसेस तक के, आज मैं उनके अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ, इनके अगेंस्ट में मैं लड़ रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ। कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है, ये कुछ भी कर सकता है, आदमी किस हद तक भी जा सकता है और गया भी है। पहले अटेम्प्ट टू मर्डर केस इनके जो एलएस वारंट निकला भी है इनके अगेंस्ट में, ये बेल में आज घूम रहे है। देखिए कोई व्यक्ति के ऊपर आप लोग अलग से मत जाइए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व होना उस चीज में आप लोग बने रहिए। प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा सर, ठीक है, उसी के लिए हम लोग भी साथ में है, आप लोग के साथ में 100% प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जो फुलफिल करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जिसको कैसा रखना क्या करना, जो जो नाम से तो बांध के रखते हैं सर। देखिए किसी का बांधने का चीज़ नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक भी बढ़िया सा उस लोग अपना काम जो सही है रूल के हिसाब से जो होना वो करेगा 100%, उसमें कोई ये नहीं है। उनका जो ब्रीफ करना है वो हमारा जो बोला है सब मिलके हम लोग ब्रीफ करेंगे, आपका साथ देंगे। चलिए अभी हम म्यूनसिपल के जो चेयरपर्सन है श्रीमती कविता उदय जी, उनसे जानते हैं, वो आज बच्चों से मिली और वो उन्होंने बच्चों को क्या आश्वासन दिया। नमस्कार मैम। सभी को नमस्कार है। हम बच्चों लोग से पूछा था कि प्रॉब्लम क्या करके, उस लोग बोले कि अभी लेटर देंगे, लेटर दे के सब साइन करके मेरे पास देने के लिए बोले, हम भी ऊपर लेवल में CS तक लेके जाएंगे, लेके जाके बात करवाएंगे। थैंक यू मैम। नमस्कार उदय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बच्चों ने जिस तरीके से आपको तकलीफ बताई है, अपनी सारी इन परेशानियों को लेकर आप लोगों का अगला कदम क्या हो? अभी काफ़ी दिन से ये समस्या तो चल रहा है, मैंने बीच में एक ट्वीट भी किया था, बच्चा लगा जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना है, कोई किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेटर एंड एग्ज़ाम मुश्किल में है, सब बच्चा 2 साल से प्रॉब्लम में फंसे पड़े, जेन्युइन जो भी इशू रहेगा उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लेके जाके हम लोग बच्चा के भलाई के लिए ये काम कराने के लिए हम लोग आश्वासन दिया है। हमारे अध्यक्ष अजय बेराई जी, पूर्व अध्यक्ष विशाल जी, विष्णु जी, सभी आने के बाद आज शायद अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष आ जाएंगे और कल विष्णु जी भी आने का उम्मीद है, आने के बाद डिस्कस करके एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव डालेंगे, जो बच्चा का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी और जो उनका जो भी समस्या है उसको ठीक करना है। इसलिए मेन दो टाई अप होना है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से, उसके लिए क्या है नॉर्म्स है उसके हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से कराने के लिए हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे। उदय जी, तो क्या हम ये समझे कि बीजेपी पार्टी जो है वो अब खुलकर बच्चों के साथ आएंगी? इसमें पार्टी का कुछ ये नहीं है, अभी हमारा पार्टी, दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी, पार्टी का इशू नहीं है ये जो बच्चों का जेन्युइन डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग काम करेंगे। कई दिनों से देखा गया है और बच्चों का भी कंप्लेंट रहा है पिछले 3-4 दिन से, हमारा चैनल भी इसे कवर कर रहा है कि कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आया, ना ही उनके प्रिंसिपल, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई संघ या ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आप आए हैं तो हम भी देख रहे हैं कि बच्चों में थोड़ी उम्मीद जागी है, इसलिए मैंने ये पूछा था। एक्चुअली कवर तो हमको भी 2-3 दिन से मालूम है, मगर हमने भी सोचा था हम जाने से पॉलिटिकल का कुछ इशू बनेगा, अभी बच्चा लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी से बात हुआ, CS से भी बात हुआ, सभी चीज़ बात हुआ है, कोई भी चीज़ इमीडिएट सोल्यूशन बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो पेपर वर्क से जो सिस्टम वाइज नाम्स का फिलअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता, तो फिर आज हमें भी थोड़ा लगा, इतना दिन से बच्चे परेशान है, थोड़ा बच्चों को भी समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन अपना कार्रवाई करके करने के लिए वही चीज़ देख बताने की कोशिश की, मगर बच्चों ने थोड़ा जोश में ही है, फिर भी हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको इमीडिएट सोल्यूशन कराने के लिए बोलेंगे, इसमें कोई पार्टी का कोई ये नहीं है, बस जेन्युइन एक स्टूडेंट है, किसी का बच्चा है, मेरा बच्चा है, हो सकता है आपका बच्चा, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम में फंसेगा उसका साथ देना तो हमारा दायित्व होता है। थैंक यू सो मच। हम म्यूनसिपल काउंसिल के जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं अजीज़ुर रहमान, उनसे बात करते हैं। रहमान जी, थोड़ा आप भी इसमें अपनी रोशनी डालिए कि बच्चों से क्या बात हुआ और आप लोग आगे क्या कदम लेने वाले हो। नहीं, 4 दिन का इनका स्ट्राइक सोशल मीडिया और न्यूज़ में देखकर, और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने भी कॉल किया है विज़िट करने के लिए, देखने आए, देखे हैं, इनको बोले अपने डिमांड्स के साथ में आप चेयरपर्सन को एड्रेस करके एक लेटर दीजिए, उस पर फिर हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, अपने पार्टी के थ्रू से बात करें, या जो भी इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। बच्चे लोगों ने जिस तरीके से बताया कि उनके कई सारे जो अलग डिपार्टमेंट हैं उनका तो एग्ज़ाम चल रहा है, इन बच्चों का एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला है, इसको लेके बच्चे काफ़ी
परेशान है कि ये होगा नहीं होगा, तो ये भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो वरना उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप लोग कितनी जल्दी इसकी कोशिश करेंगे? हम कल से ही स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर में काम। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी दोनों जीत पे आएंगे तो यूनिवर्सिटी तो अपील पे जाएगी, और आप दोनों के चक्कर में बच्चे कब तक पिसते रहेंगे? तो हमने उन्हें बोला है अगर 31 तक बच्चे के हित के लिए ऑर्डर नहीं रहेगा तो हमने यही सुझाव दिया है कि आप दोनों केस वापस लीजिए, 17 कंडीशन फुलफिल कीजिए, अंडरटेकिंग दीजिए, और बच्चों के करियर के साथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिब्रेड प्रशासन हो, खिलवाड़ मत करिए। 2019-20 का जो है ना, उसमें पूछा था, 2019 पूछा था सर, जब चल रहा प्रॉब्लम चल रहा तो एडमिशन क्यों लिया? जब आपको पता है था एडमिशन प्रॉब्लम 19-20 का जो एडमिशन का प्रॉब्लम है, तो नया 20-21 का क्यों लिया? तो सर बोला कि वो हम अपना मर्जी से नहीं ले, वो कोर्ट का ऑर्डर से हम लिया बोले। कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, मेंशन नहीं है, उनको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल बंद करना था एडमिशन के लिए। ऑर्डर निकला ना, वो बात का नहीं, कोर्ट का निर्देश पर वो एडमिशन लिया। कोर्ट कैसे निर्देश दे सकता है? जब जो मल्होत्रा सर है और शर्मा सर है, ये कोर्ट का ऑर्डर रिटर्न में कुछ भी आता हो, ओरल ऑर्डर वो अपने मर्जी का बताते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि हमें एग्जाम लेना है, प्रैक्टिकल एग्जाम लेना है, ये कर रहे हैं। संजय मल्होत्रा सर के बारे में बताता हूँ, 2002 में एडॉक में ज्वाइन करे, इस तक 13 लोग हैं, आज के दिन में एचओडी भी बन के बैठे हैं 2002 में एडॉक केस में। एडॉक मतलब 2004 में रेप्यूटेशन खत्म हो गया उनका। हाँ, तो जब रेप्यूटेशन खत्म हो गया, आज के इनका, आज इनका पेमेंट कहाँ से आ रहा है? आज भी 2022 हो गया, आज भी बैठे हुए अंदर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के इनका पेमेंट कहाँ से आ रहा है और ये कैसे बैठे हैं अंदर? 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल के बाद वो खत्म हो जाता है एडॉक। ठीक है, अगर एक्सटेंशन कराते भी है तो इनका पेमेंट कहाँ से आता है? और जो यूपीएससी क्लर्क करके असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ आते हैं, उन्हें इतना परेशान किया जाता है ये कॉलेज में कि उन्हें जानबूझ के, मतलब छोड़ के जाना पड़ता है, छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलता है। रिजाइन देके जाते हैं, आपने, आप जैसे भी रिपोर्ट देखिए, यहाँ से आधा से ज्यादा जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिजाइन करके जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट रिजाइन करके जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है जो इनको तंग कर रहे हैं। उनको इस मैटर के बारे में उतने अच्छे से आइडिया नहीं थे, लेकिन उनको थी आइडिया, थी जो भी थे, वो पहले स्टडी करके हमसे मिले। तो उन्होंने बोला कि ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, हम अपने तरफ से ऊपर लेवल में बात करेंगे, मिनिस्ट्री चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे, पौंडीचेरी का चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, और अपने तरफ से इसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। नहीं, सीएस साहब भी बहुत अच्छा है, अभी जो नया फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर नया, हाँ नया जो सीएस साहब आया है, हमारा साथ में एक बैठक उनका हुई है, और आप लोग को जो ये जो परिस्थिति आज रोड में बैठना पड़ा हमारा विद्यार्थियों को, बहुत दुखद है और उतना ही गंभीर है, और मैंने भी बहुत डिटेल में इसका असेसमेंट करने का प्रयास किया है। मेरा साथ में डॉक्टर आर देवदास जी, उन्होंने एजुकेशन डायरेक्टर रहा, आप लोग जानते हैं उनको, और एक समय में उन्होंने 5-5 डायरेक्टर का पोस्ट संभाला अंडमान निकोबार में। मैं भी बहुत ही तबीयत ख़राब था, कल रात ही को आए हैं काफ़ी दिन बाद, तो मैं सोचा, मैं कार्यालय गया और हमें एक डिटेल मिला है जो देवदास सर का हाथ में है, जो 17 पॉइंट ही है ना सर इसमें, तो ये जो 17 पॉइंट है, और जो अभी सिस्टर और हमारे दूसरे भाई जो ग्रीफ कराए हमसे, हमें, तो मैं भी कुछ समझा कि वाकई आप लोग का साथ में बहुत अन्याय हुआ है जिसका कोई सीमा नहीं, और इसका लिए पहले से ही आवाज़ उठना चाहिए था। हमारा सबसे पहले काम रहेगा, अभी सीए सबसे हम समय लेंगे, अभी आज मिलता है कल मिलता है, सबसे पहले हम चीफ सेक्रेटरी के साहब का साथ में उनसे समय लेंगे, और एक ही मुद्दा का ऊपर में, जो डीग्रेड का सभी विद्यार्थियों को जो कठिनाइयों का और जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये विषय को लेके मैं एक डेलीगेशन, और उसमें देवदास सर भी रहेंगे, उसमें हमारा चेयरमैन मैडम भी रहेंगे, अजीजुर रहमान जी भी रहेंगे, और हमारा संजीव रंगैया जी रहेंगे, कल तक हमारा एक्स एम पी भी आ जाएंगे तो उनको भी साथ में रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर पंडितचेरी से हम लोग को एफिलेशन मिल जाता था, है ना, तो इतना मुसीबत आज का दिन में नहीं होता। और बहुत कुछ बात जो है वो हमारा मन में है, मुझे काफ़ी कुछ और आज स्टडी करने का ज़रूरत है। आपका समस्या को जहाँ तक रजिस्टर करना है, जितना जल्दी हो सके, कोर्ट का क्या है नहीं है, हर चीज़ में असेसमेंट करके, हर चीज़ में ध्यान रख के, नज़र रख के, पहले सीएस साहब से बात करके,
और उसका बाद में मंत्रालय तक का हम लोग अगर पहुंचना है दिल्ली में एक दो दिन का अंदर में चिट्ठी के माध्यम से हो, बातचीत का माध्यम से हो, ये पूरा तो देवदास सर हमारा जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं पूरा इसका डिटेल सर बना देंगे आज शाम तक। आप लोग जो लोग है, जो दो लोग अगर साथ में हमारा साथ में चलेंगे तो वो दोनों का नाम भी ऐड कर देंगे डेलीगेशन में, है ना। तो आप आ जाइए, सिस्टर आ जाइए, दोनों आप लोग दोनों अगर नाम दे दीजिए सर को अभी, तो यहाँ से दो जन आ जाइए और बाकी हम लोग छः सात लोग जो है पूनम जी, कविता जी, आजीजुर जी और बाकी हम लोग देवदास सर हम लोग चलेंगे साथ में, लोग एक बार अच्छा से स्टडी करके, और आप लोग दोनों भी आ जाइए, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, आप लोग दोनों आ जाइए और हम लोग एक छः सात लोग चलेंगे, आठ दस लोग चलेंगे। तो मैं आज नहीं होने से भी, आज शाम को नहीं होने से भी, मैं कल का उनसे मैं अपॉइंटमेंट लेता। बाकी मुझे इतना ही बोलना था, थोड़ा सा आप लोग को भी धैर्य रखना होगा, ठीक है ना। सबको नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्ते, मैं सीमा कुमारी, अंडमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टेट सेक्रेटरी, यहाँ उपस्थित सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो डिब्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए और बच्चों की समस्याओं को देखते हुए उनसे मिलने आए, और वो किस प्रकार से बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए मदद कर सकते हैं उन्होंने वो आश्वासन दिया। मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने अभी सीएस सर से मिलने के लिए बोला है वो सक्सेसफुल हो तो अच्छा है, क्योंकि केस मैटर में है, सब जुडिशियल है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्ट वहाँ से कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हमारा ये है कि हम सर से अनुरोध कर सकते हैं कि सर, क्योंकि केस अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, तो अगर 31 को कंटेम्प्ट का ऑर्डर फेवर में या अगेंस्ट में, ये अंडमान के फेवर या यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं, बच्चों के फेवर में अगर नहीं आती है तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इस केस को वापस ले ले, क्योंकि यही एक जल्दी समाधान का उपाय है। इस अगर केस वापस नहीं लिया जाएगा तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में इसका समाधान कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोर्ट में मैटर चलेगा इसका समाधान कोर्ट के बाहर हो नहीं सकता। टेबल बैठक के थ्रू ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा, नहीं तो ये सोल्यूशन नहीं आने वाला है। और ये दो साल तो बर्बाद गया ही है, और जितना कोर्ट का प्रोसीजर चलते रहेगा बच्चों का करियर बर्बाद होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करती हूँ कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अगर 31 को बच्चों के फेवर में ऑर्डर नहीं आए तो दोनों मिलके केस वापस ले, टेबल बैठक मीटिंग करे, और जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के 17 कंडीशंस है अंडरटेकिंग देते हुए डिब्रेड प्रशासन और अंडमान प्रशासन उसको फुलफिल करे और परमानेंट एफिलिएशन वापस ले, जिससे बच्चों को कंडीशनल एग्जाम ना देना हो, उनको एक फिक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हो जिसके साथ वो एग्जाम दे पाए। धन्यवाद। सीमा जी, अभी बीजेपी पार्टी के कई सारे मेंबर्स यहां पर आए और आप लोगों को पूरा आश्वासन दिया है अपने समर्थन का, इससे आप खुश हैं? हम सारे बच्चों को बहुत खुशी होती है कि जब हमारे सोसाइटी के और हमारे जो समाज में है वो लोग हमारे समर्थन में आते हैं। मैं बीजेपी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर और यहाँ जितने जन भी आए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि बच्चों की समस्याओं को समझते हुए वो यहाँ आए, बच्चों से मिले, और कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है वो भी उन्होंने अपने तरीके से वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल में हो या यहाँ सी एस सर से बात करके हो, वो करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। धन्यवाद। तो आखिरकार कोई तो सामने आया, ना तो कॉलेज प्रशासन, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई, ना ही अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, इनके कई सारे मेंबर्स, अंडमान निकोबार के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है श्री अजय बैरागी जी, और म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन, सब ने आगे बढ़कर आगे कदम बढ़ाया है और बच्चों को पूरा पूरा साथ दिया है, और उन्हें आश्वासन दिया है कि अब वे ना डरें, उनके हर मसलों को सुलझाया जाएगा, उनका जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगा और एग्ज़ाम्स भी होंगे। इसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी को जहां तक जाना पड़े वो जाएंगे, जिस तरह आपने जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है श्री अजय बैराजी जी को बोलते हुए सुना है, आगे भी हम देखेंगे कि अब ये जो स्ट्राइक है, ये जो मुद्दे हैं डिबेट के बच्चों का, ये कहां तक जाती है। हम बराबर आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। तो जैसा आपने
ने देखा कि किस तरह बच्चों ने एक एक कर अपने ऊपर हो रहे जुल्म को बयान किया। म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन, बीजेपी प्रेसिडेंट और युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री उदय जी के सामने। हो सकता है कि अब बच्चों को थोड़ी राहत की सांस मिली होगी, क्योंकि अब बच्चों का यह मुद्दा सिर्फ उनके कॉलेज तक ही नहीं बल्कि राजनीति पार्टी तथा म्यूनसिपल काउंसिल तक भी पहुंच गया है। वहीं म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन और सीनियर वाइस चेयरपर्सन ने बच्चों को पूरा साथ देने का आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी प्रेसिडेंट श्री अजय वैरागी जी ने भी दुख जताया और कहा कि कोई अन्याय नहीं होने देंगे बच्चों के खिलाफ। उन्हें जितनी ऊपर तक बात पहुंचानी है वो पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द बच्चों की समस्या का समाधान निकालेंगे। आज या कल ही चीफ सेक्रेटरी से मिलने का वादा किया और साथ में स्टूडेंट से 2 या 3 प्रतिनिधि भी उनके साथ ले जाने की पुष्टि दी है। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम भी चाहती है कि जिस तरह शुरुआत से हम आपको डिबेट के बच्चों की समस्या को दिखा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द सुलझे। फिर चाहे वो राजनीतिक रंग के जरिए सुलझे या किसी और वजह से, मगर सुलझे जरूर, क्योंकि बात लगभग 328 बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमें उम्मीद है कि अंडमान प्रशासन, कॉलेज मैनेजमेंट और एजुकेशन सेक्रेटरी भी इसमें उनका सहयोग देगी और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा देगी और बच्चे अपने एग्जाम्स दे पाएंगे, जिंदगी में बिना अपना समय खोए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अनीता आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।